ये बड़ी और अहम जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। ये बड़ी जानकारी, कश्मीर के उरी सेक्टर में 3 आतंकियों का सफाया किया गया है, तो बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। एलओसी के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। कश्मीर के उरी सेक्टर में 3 आतंकियों का सफाया किया गया है। एलओसी के पास सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है और साथ ही आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। 5 AK-47, 8 पिस्तौल और 70 हैंड ग्रेनेड को जब्त किया गया है। उरी के पास रामपुर सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दे रहे लोगों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर के उरी सेक्टर में 3 आतंकियों का सफाया हुआ है, तो बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को लगी है। पीपल ऑफ कश्मीर इज रैंकलिंग द एलिमेंट्स अक्रॉस एंड द इंटेंट ऑफ सेंडिंग दी स्मॉल वेपन्स इन टर्म्स ऑफ पिस्टल्स एंड ग्रेनेड्स इज टू इंश्योर दैट यू आर आर्मिंग द सो कॉल्ड हाइब्रिड टेररिस्ट द यूथ who work or study in the day and the evening, they are given a task to carry out a hit. The attempt to destabilize peace and security here will definitely not be sustained or accepted. We are totally committed to ensure the peaceful environment which is prevailing today by taking out the terrorists of whichever hues, either through neutralizing or ensuring that he comes back into the mainstream in form of surrender or acceptance of his fault and thereafter he is taken out of the circulation from the terrorist ranks. Yeah. There have been certain documents which have been found on their on the person, which definitely reveal that they are at least one of them is a Pakistani. We are not very sure about the balance too. That verification will be done and thereafter we'll inform you of the nationality and also in terms of which group they belong to. Okay, for us nothing has changed. Our counter infiltration grid was strong since the start of summers, will continue to remain same. We are alert, we are deployed with adequate forces on the fence, on the LC, and we will ensure that all bids are eliminated. साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियोटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और एप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज़ आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।